महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने मुखपत्र सामना में पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए कबूतर उड़ा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में हिंसा पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। सवाल पर गया में एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मणिपुर के बारे में कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। मणिपुर के बारे में हम लोगों को भी पता है, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, बिहार और यूपी में भी होता रहता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी हो रही है, तो उसके बारे में उन लोगों को चिंता क्यों नहीं व्यक्त करते। घटना एक चीज है, घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करना दूसरी चीज है। यहां जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। मणिपुर में भी अनेक एहतियात के तौर पर कार्रवाई की गई है, वो भी देश का अंग है, इसके लिए उद्धव ठाकरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको रोकने के लिए पीएम मोदी कबूतर उड़ा रहा है, मगर मणिपुर हिंसा पर कुछ नहीं बोल रहा है। अब देखिए वो क्या बोलते हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि मणिपुर के बारे में कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। मणिपुर के बारे में हम लोगों को भी पता है, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, बिहार में भी होती हैं, उत्तर प्रदेश में भी होती हैं, जहाँ कांग्रेस और दूसरे राज्य है वहाँ भी हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग चिंता क्यों नहीं व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब है घटना एक चीज़ है, घटना का त्वरित कार्रवाई करना दूसरी चीज़ है। यहाँ जो भी घटनाएँ घट रही है सब पर कार्रवाई हो रही है। मणिपुर में भी इस प्रकार के अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम किए गए हैं, इसलिए एक कहना कि मणिपुर हमारे राज्य का देश का अंग है और उसका विकास और वहाँ पर शांति व्यवस्था काम करना प्रधानमंत्री जी का एक अभीष्ट इच्छा है, इसके लिए वहाँ जाते राव को चिंता करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव बोल रहा है कि 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, मगर मिथिला में अभी तक विकास नहीं हुआ। 15 वर्ष उनके पिताजी भी तो 2005 के शहरी किए थे, एक छत्र राज किए थे। आज दो संबित की सरकार है, दो मिलकर 3 मिलकर के राज कर रहे हैं।